अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नूरानी खबरों में आपका खैर मकदम है। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए त्रिपुरा में हुए सांप्रदायिक दंगों की पूरी हकीकत लेकर आए हैं। आपको बता दें कि आज से ठीक दो दिन पहले त्रिपुरा के आईजी ने त्रिपुरा में हो रहे सांप्रदायिक दंगों को अफवाह करार दिया था और ऐसे किसी भी मुसलमानों पर हो रहे खबरों को गलत बताया था, लेकिन हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद से त्रिपुरा के पूरे हालात पर सच्चाई सामने आ गई है। क्या है पूरी खबर जानने के लिए हमारे इस वीडियो से आखिर तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। त्रिपुरा में पिछले एक हफ्ते से भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अल्पसंख्यक मुसलमानों के खिलाफ हमले की घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लिया है और पूरे मामले पर शासन और प्रशासन से रिपोर्ट तलब की है। दूसरी तरफ राज्य के मुसलमानों की जान माल और इबादत गाहों यानी के धार्मिक स्थलों की हिफाजत के हक में सामाजिक संगठनों के साथ दरगाह खानकाहों से भी आवाज बुलंद होने लगी है। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को बांग्लादेश में हुए हिंसा के बाद से ही त्रिपुरा में हालात खराब बने हुए हैं। हिंदुत्ववादी संगठन विश्व हिंदू परिषद के बैनर तले और दूसरे हिंदुत्ववादी संगठनों के तले हिंसक होकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं। स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया यानी SIO के मुताबिक अब तक 27 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें 15 मस्जिदों की पहचान कर उसे निशाना बनाया गया है। 3 मस्जिदों में आग लगा दी गई है। नॉर्थ त्रिपुरा समेत नफरत की आग पूरे त्रिपुरा में फैली हुई है। हालांकि नॉर्थ त्रिपुरा के पानी सागर में सांप्रदायिक दंगों के निशान देखे जा सकते हैं। यहां मुसलमानों की दुकानों की पहचान कर उन्हें आग के हवाले किया गया और अल्पसंख्यकों के घरों में घुसकर वहां भगवा झंडा फहराया गया है। त्रिपुरा हाईकोर्ट ने अखबार और समाचार पत्रों में छपे घटनाओं के आधार पर ही स्वतः संज्ञान लिया है। अब हाईकोर्ट के दखल के बाद राज्य में हालात सामान्य होने की उम्मीद देखी जा सकती है। आपको बता दें कि इससे पहले त्रिपुरा के IG ने हालात सामान्य होने का दावा किया था, इस आरोप के साथ कि कुछ देश विरोधी ताकतें हिंसा की अफवाहें फैला रही हैं। लेकिन त्रिपुरा राज्य से जिस तरह की खबरें, आगजनी की खबरें, लूटपाट की खबरें, धर्म विशेष को टारगेट करने की खबरें सामने आई, उनके संदर्भ में त्रिपुरा की पुलिस कोई सफाई नहीं दे सकी है। आपको बता दें कि त्रिपुरा पुलिस की ये सफाई भी तब आई जब पूरे भारत में त्रिपुरा मुसलमानों की सुरक्षा के लिए, उनके इंसाफ के लिए आवाजें बुलंद की गई। देश की राजधानी दिल्ली में भी त्रिपुरा भवन के सामने लोगों ने जमा होकर विरोध प्रदर्शन किया था और त्रिपुरा मुसलमानों की हिफाजत की मांग की थी। माहौल बिगड़ता देख IG ने सफाई पेश की थी। आपको बता दें कि दिल्ली में ISA, फ्रेटर्निटी और बहुत से सामाजिक संगठनों ने त्रिपुरा के मुसलमानों के लिए प्रोटेस्ट किया था, जिसमें विरोध प्रदर्शन दर्ज कराने आए लोगों को पुलिस ने डिटेन किया था। शनिवार को UP के बरेली स्थित आला हजरत दरगाह से भी त्रिपुरा हिंसा के मामले में सख्त अल्फाज में इसकी निंदा की गई थी और राज्य और केंद्र सरकार से कानून व्यवस्था बहाल कराने की मांग की गई थी। जमात रजाए मुस्तफा के सलमान के जेरे नजर उलेमाओं की बैठक हुई थी, जिसमें कहा गया कि इस तरह के हालात पैदा करके देश के अल्पसंख्यकों में खौफ पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। उन्होंने कहा कि हम मुख्यमंत्री विप्लव कुमार देव से मांग करते हैं कि दंगाइयों के खिलाफ जल्द से जल्द और सख्त कार्रवाई की जाए और राज्य के अल्पसंख्यकों के जान और माल की रक्षा की जाए। जमात के प्रवक्ता ने बताया कि अगर त्रिपुरा पुलिस जल्द ही कोई कार्यवाही नहीं करती तो हम सड़कों पर उतरकर हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। नाजरीन, यहां दो बात तो वाज़ह है कि किस तरह से त्रिपुरा पुलिस ने इस पूरे मामले को उलझाने की
और यहां तक कि दबाने की कोशिश की थी, लेकिन त्रिपुरा हाईकोर्ट के संज्ञान लेने के बाद से पूरे मामले की तह खुल गई है और राज्य में मच रहे घमासान सांप्रदायिक दंगों की तस्वीरें कानूनी रूप से सामने आ चुकी है। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।